एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड आउट करना है, तो हमें जो सिंपल वैल्यू दी गई है एक्स प्लस वाई इक्वल 7, हम इसका बोथ साइड पे क्यूब ले लेंगे। फार्मूला ओपन करेंगे, टू वैल्यूज का क्यूब ओपन करें तो फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकेंड वैल्यू का क्यूब प्लस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू से, और अगेन इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स प्लस वाई से। 7 को अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 7 49 और 49 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 343। एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं और बाकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक्स वाई की वैल्यू है 12 और एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 7। इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 312 36 और 36 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 252 लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल आ जाएगा 343 माइनस 252, और माइनस करने से इसका आंसर आ जाएगा 91। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें 3x प्लस 4y इक्वल 11, इस साइड पर दोनों साइड पर इसकी क्यूब हमने फार्मूला अप्लाई करना है। क्यूब का फार्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, और अगेन आप पूरी वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 4y से, और 11 को अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 121 और 121 को अगेन 11 से मल्टीप्लाई किया तो 1331। अब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27x की पावर क्यूब और प्लस 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 पार वाई की पार क्यूब प्लस 339 और 94 36 एक्स वाई और ब्रैकेट में 3x प्लस 4y। यहां पे एक्स वाई और 3x प्लस 4y की वैल्यूज पुट करेंगे, 36 12 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, और ये यहाँ प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। ऑपोजिट साइन है इसलिए आप यहाँ पे बड़ी वैल्यू में से छोटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आंसर होगा उसके साथ साइन आएगा बड़ी वैल्यू के साथ का, यानी माइनस, तो इसको माइनस करने से इसका आंसर आता है 3421 और ये साथ इसके माइनस का साइन आ जाएगा। इस तरीके से 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब का आंसर माइनस 3421 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। यहाँ भी हमें क्यूब ही फाइंड आउट करना है पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब फाइंड आउट करना है, तो आपने x माइनस वाई इक्वल 4 का बोथ साइड पे क्यूब ले लेना है और इसका फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब माइनस 3 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई को लिखेंगे। 4 को अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 16 और 16 4 अगेन 64 होता है। एक्स वाई और एक्स माइनस वाई की वैल्यू को पुट करेंगे, 321 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 252 आ गया, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। माइनस 252 को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 316 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो 5x माइनस 6y इक्वल 13, इसका हम बोथ साइड पे क्यूब ले लेंगे।
फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसको क्यूब ओपन करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, और ब्रैकेट में जो वैल्यू थी 5x माइनस 6y उसे अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 13 169, और 169 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 2197। इसका क्यूब ओपन करते हैं, 5 25, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125x क्यूब माइनस 36, और 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 216 माइनस 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 90xy, और 5x माइनस 6y वैल्यूज को पुट करते हैं xy और 5x माइनस 6y की, इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने से इसको आ रहा है 7020। नेक्स्ट स्टेप में 7020 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और ये साइन इसका चेंज हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ऐड करने से इसका आंसर आ जाएगा 9217। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 ओवर x इक्वल 3 है और इसका क्यूब फाइंड आउट करना है, तो हम x प्लस 1 ओवर x इक्वल 3 का बोथ साइड पे क्यूब ले लेंगे, ओपन करेंगे फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है इसलिए इसको मैंने x के ऊपर ही लिख दिया है, प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, और ब्रैकेट में x प्लस 1 ओवर x को दोबारा लिखेंगे। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, x x के साथ कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू को पुट करते हैं, 3 9 की पोजीशन चेंज करेंगे, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ये 27 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इस तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका आंसर 18 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे हमें x माइनस 1 ओवर x इक्वल 7 दिया गया है और हमने इसका क्यूब फाइंड आउट करना है, इसलिए हम x माइनस 1 ओवर x इक्वल 7 लिख के इसका बोथ साइड पे क्यूब ले लेंगे। क्यूब का फॉर्मूला ओपन करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकेंड वैल्यू का क्यूब, अगेन 1 का क्यूब 1 होता है इसलिए मैंने इसको 1 ही लिख दिया है, माइनस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकेंड वैल्यू, और x माइनस 1 ओवर x ब्रैकेट वाली वैल्यू से हम दोबारा लिखते हैं। 7 को अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 343, x x के साथ कैंसिल, आगे x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1 ओवर x इक्वल 343। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे x माइनस 1 ओवर x की, 7, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21, माइनस 21 राइट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड किया और इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 364। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं, यहाँ हमें 27x क्यूब प्लस 1 ओवर 27x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम 3x प्लस 1 ओवर 3x इक्वल 5 इसका बोथ साइड पे क्यूब ले लेंगे। फार्मूले को ओपन करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप से 3x प्लस 1 ओवर 3x इक्वल, और 5 को अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 125 आ जाएगा। 3x 3x से कैंसिल हो जाएगा, और जब आप 3x को अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27x क्यूब प्लस 1 ओवर 27x क्यूब प्लस 3, और यहाँ 3x प्लस 1 ओवर 3x
इक्वल 125। 3x प्लस 1 ओवर 3x की वैल्यू को पुट करेंगे, 3x प्लस 1 ओवर 3x की वैल्यू है 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 15 लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 125 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं, हमें 125x³ माइनस 1 ओवर 25x³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम 5x माइनस 1 ओवर 5x इक्वल 6 इस इक्वेशन की बोथ साइड पे क्यूब ले लेंगे। फार्मूला ओपन करेंगे क्यूब का, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, और ब्रैकेट में अगेन आप सारी वैल्यू लिखेंगे 5x माइनस 1 ओवर 5x, और 6 को अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 216। 5x 5x से कैंसिल हो जाएगा और इसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 125x³ माइनस 1 ओवर 125x³ माइनस 3 5x माइनस 1 ओवर 5x यहाँ पे बचा है इक्वल 216। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 5x माइनस 1 ओवर 5x की जगह पे इसकी वैल्यू 6 पुट करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18। अब इस 18 को ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है राइट हैंड साइड पे जाके इसको ऐड कर देंगे, दोनों वैल्यूज को ऐड करने से इसका आंसर आ जाएगा 234। ये इसका फाइनल आंसर है।